प्रयागराज में कल मनेगा जन्माष्टमी का त्योहार। पूरे देश में जहां जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का एक विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के श्री कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का विशेष रूप से महत्व है। इसी क्रम में प्रयागराज में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि बैनी माधव एवं इस्कॉन दो मंदिर हैं प्रयागराज में स्थापित, जहां बैनी माधव मंदिर को नगर का दरोगा कहा जाता है एवं प्रयागराज में कोई भी कार्य शुरू होने से पहले भगवान बैनी माधव का पूजन किया जाता है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर इस्कॉन मंदिर भी प्रयागराज में है। बात अगर इस्कॉन मंदिर की जाए तो इस बार जन्माष्टमी का पर्व यहां 7 तारीख को मनाया जाएगा। उन्होंने साफ बताया कि उदया तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि 6 तारीख को रोहिणी नक्षत्र कुछ समय के लिए ही लग रहा है, इसलिए मुख्य रूप से उदया तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जो होता है रोहिणी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से जिस दिन होगी उस दिन जन्म उत्सव मनाया जाए, लेकिन दो बार आज उदया तिथि कारण हम लोग सेकेंड डे मनाते हैं, और जो फर्स्ट डे जो नहीं मानते वो फर्स्ट डे मना करके रोहिणी नक्षत्र मना लेते, लेकिन नक्षत्र को समय लिए होता है, इसलिए जो बहुत लोग फर्स्ट डे करते हैं और वैष्णव संप्रदाय सेकंड डे, क्योंकि उदय तिथि वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जब तक दिन उदय नहीं होता है तो उसको नहीं माना जाता, अगर हाफ डे से लग रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो जब तक उदय नहीं हो गया तो हम लोग सेकंड डे, मोस्टली एकादशी और सभी चीज ऐसे होता है सेकंड डे, दो दो त्यौहार ऐसे हो जाते हैं कि दो डे, तो जो करता है फर्स्ट डे उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, जो सेकंड डे करता है उसके प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारी शास्त्र अनुसार यही मानता दी गई है। प्रत्येक वर्ष गुरु जी जो वस्त्र आते हैं इनका एक विशेष महत्व होता है, ये विशेष रूप से बनाए जाते हैं, इन वस्त्रों की विशेषता क्या है, कहाँ से बनते हैं और इसकी जो कलाकारी है इसके पीछे का क्या कारण है? ये ड्रेस वृंदावन से बन के आती है, मोस्टली ये भगवान के ड्रेस का गढ़ है वृंदावन, ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड इंडिया नहीं वर्ल्ड के अंदर मंदिर सब ड्रेस वहाँ से इस्कॉन मंदिर के विभिन्न मंदिरों की ड्रेस बन के आती है, लेकिन इस्कॉन मंदिर की ड्रेस आप देखते हैं सबसे ज्यादा कॉस्टली रहती है, और जो ट्रेड भगवान के अच्छे से अच्छा भगवान को देना जो ट्रेड रहता है वो 10 लाख की, 5 लाख की, 2 लाख की, जिसकी कैपेसिटी जिस मंदिर की कैपेसिटी उससे बनवाता है। तो ये हम लोग स्पेशली क्योंकि यहाँ जैसी कलाकारी है वहाँ जैसी कलाकारी यहाँ नहीं मिल पाती है, तो सब जगह हम लोग वहाँ से बनाते हैं, हर साल 1-2-3 मतलब हर साल में तो आती है, लेकिन जन्माष्टमी 2 दिन आती है। तो इसमें जो मेन कलाकारी के जरदोजी वर्क है और प्लस स्टोन का। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हर रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।